जो कल सब्जियां लाई हुई थी, गोभी, कॉर्न्स, करेले और तोरी, इनको मैंने कहा बैठ के कटिंग शटिंग कर लूँ और ना तैयार करके रख दूँ। और ये जनाब बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ है और ना इनके पास से एक सेकंड के लिए बिठाने से इनकी बातें शुरू हो जाती हैं, तो मैंने कहा जो बैठ के करने वाले इनके पास काम है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। लहसुन भी काफ़ी दिनों से आया हुआ था, अभी मुझे चाहिए तो नहीं पेस्ट पड़ा, लेकिन ये भी मैंने कहा बना के रख देती हूँ। तो बस अब ये काम ना मैं करूँगी जब तक ये लोग अपना टेस्ट वगैरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं बस बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो सब्ज़ी बनाने वाली है ना वो भी बना के रख लेते हैं, क्योंकि ये 2 वीक्स का मैं सामान लाई थी, तो मैंने कहा पढ़ा रहा तो फिर ना ख़राब होना शुरू हो जाए सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने कहा चलो इनकी कटिंग वगैरह करके और जो फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें वो फ्रीज़र में रख दूँगी, जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो फ्रिज में रख लेंगे। तो बस वो सब कुछ किया, उसके बाद फिर थक गए थे शदीद किस्म का, तो चाय वगैरह बना कर पी। और ये काफ़ी दिनों से ना मेरे पास ये स्टिकर भी पड़े हुए थे, मेहंदी तो ईद की पड़ी हुई थी और ईद पे भी ना ये वाली यूज़ नहीं की थी, तो मेरा दिल कर रहा था लगा लूँ, फिर मैंने कहा चलो हल्की हल्की सी लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा डिज़ाइन नहीं लगाते। और बस जनाब अंदर से सारा काम वगैरह ख़त्म करके बच्चों को पढ़ा लिखा के सब कुछ फिनिश करवा के, तो अब मैं आ गई थी किचन में और अपना मैंने किचन में काम शाम ख़त्म करने थे। तो सबसे पहले तो मैंने कहा लहसुन को ग्राइंड करके ना तो इसको रख लेते हैं बजाय इसके कि ये ख़राब होना शुरू हो जाए। पहले तो मेरा इरादा था ना इसको इसी तरह से फ्रीज़ कर देती हूँ और ना जब तड़का वगैरह लगाना होगा तो निकाल के ना तो करती रहूँगी। इस बार पता नहीं ये जुबैर ने कौन सा लहसुन लिया, इतना बड़ा बड़ा है और इसका मैंने पेस्ट बनाया ना तो ये बिल्कुल वाइट सा पेस्ट बना है, वरना जो लहसुन का पेस्ट होता है वो थोड़ा सा येलो सा होता है। तो पता नहीं अब ये क्या वजह थी कि ये इस तरह से हुआ है। तो खैर यहाँ पर मैंने ना इसका पेस्ट वगैरह बनाया और मैंने भी बेवकूफ़ों की तरह सारा इकट्ठा डाल दिया और फिर ना मुझे वो सारा हो ही नहीं रहा था, नीचे वाला तो बिल्कुल होता जा रहा था और ऊपर से बिल्कुल वो हिल भी नहीं रही थी चीज़ें। तो फिर मैंने ना निकाल के वापस तो फिर ना थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बनाया और फिर मैंने इनको जो आइस क्यूब की ट्रेज होती है ना उनमें डाल के तो फ्रीज़ कर दिया। और ना बस फिर जब मेरा दूसरा वाला ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको यूज़ करना शुरू कर दूँगी, ऑलरेडी ये बना हुआ पड़ा है। और बस इसके बाद मैंने आटा वगैरह गूंदा क्योंकि आटा वगैरह भी ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा फटाफट से वो भी गूंद लूँ और बाकी किचन वगैरह सारा क्लीन कर लिया, क्योंकि इन दिनों में मैं ना सुबह सुबह उठ के तो किचन वगैरह नहीं कर रही होती थी और ना बच्चे क्योंकि बच्चों के साथ लगी हुई होनी होती थी, जिस दिन इन्होंने स्कूल जाना होता था तब भी ये लोग ना 11:30 बजे तक इनकी छुट्टी हो जाती थी, तो 12:45 बजे तक ये घर आ जाते थे, तो अभी हम नाश्ता कर रहे होते थे। तो इस वजह से ना फिर किचन का काम मैंने ना शाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था ताकि मैं ना वो टाइम बच्चों को दे के ना तो आराम से टेंशन फ्री होके तो फिर किचन का काम कर लूँगी। और बस यहाँ पे किचन का काम वगैरह क्लीन ख़त्म करूँगी। तो आज मैंने बना लिए थे नूडल्स, मैंने और बच्चों ने ना आज नूडल्स खाए थे और ज़ुबैर को ना हमने रोटी सालन दिया था क्योंकि वो कह रहे थे मैंने नूडल्स नहीं खाने, तो मैंने ना अपने में थोड़े से ये शिमला पड़ी हुई थी वो डाल ली, थोड़े से कॉर्न डाल लिए थे और ना मज़े के बने थे इस तरह से भी। तो बस हमने ये खाना वगैरह इंजॉय किया। उसके बाद है जनाब ये रात का टाइम था और यहाँ पर ना ये कल की चाट ज़ुबैर ने बचा के रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से और फ्रूट्स डाल के तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं आज रात को, क्योंकि बैठे हुए हम TV देख रहे होते हैं और ना फिर काफ़ी टाइम हो जाता है तो भूख लगी हुई होती है, क्योंकि खाना हम 6 से 7 के दरमियान में रात का खाना खा लेते हैं तो फिर ना इस टाइम दोबारा से शदीद भूख लग जाती है। और अब जनाब ये है सुबह का टाइम और आज फिर से मैंने ना नाश्ता बना के और पैक करके लेकर जाना था बच्चों को छोड़ के, मेरा और ज़ुबैर का एक काम था तो हमने वो करना था। तो फिर ज़ुबैर ने कहा था कि ना कोई सैंडविच वगैरह कुछ हल्का सा बना के रख लूँ, तो अगर तो लेट हो गया ना तो फिर नाश्ता वहीं पर कर लेंगे, रस्ते में ही मतलब कर लेंगे। तो फिर मैंने आज चाय वगैरह तो नहीं बनाई थी, बस सिर्फ सैंडविच ही बनाए थे क्योंकि कंफर्म नहीं था कि हमें कितना टाइम लगेगा। तो खैर वापस तो हम जल्दी ही आ गए थे, फिर नाश्ता वगैरह हमने घर आके किया था, सैंडविच बने हुए थे, मैंने आके चाय वगैरह बनाई और बस फिर ना खाना नाश्ता वगैरह किया था हमने। और बस यहाँ पर ना इसके साथ ही मैंने बच्चों का लंच बॉक्स भी रेडी कर लिया था और आज पैनकेक्स है तो बच्चों ने नाश्ते में भी वही पैनकेक्स खाने थे, तो बस पैनकेक्स मैंने बैटर जो ना वो रात को ही तैयार करके ना फ्रिज में रख दिया था और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर हर दूसरे व्लॉग में मैंने कहा पैनकेक्स ही नज़र आ रहे होंगे तो ना रेसिपी मैं ना 2-3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और अगर किसी को चाहिए हो तो वो वहाँ से भी ले सकता है, क्योंकि मेरे बच्चों के जो क्लास फेलोज और वो सब ना वो अक्सर रेसिपी ज़रूर मांग रहे होते हैं पैनकेक की, तो इसलिए मैंने फिर प्रॉपर रिकॉर्ड करके ना तो अब अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी भी। और पैनकेक्स बच्चों को पसंद है तो इसलिए ना फिर मेरी कोशिश होती है जो चीज़ बच्चों को पसंद है वही लंच बॉक्स के लिए ना बंदा रखे ताकि ना ये लंच कर लिया करें। और यहाँ पर बस फ्राइज़ बना रही हूँ और ये थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए, तो ये मैंने मंगवाई थी मेट्रो से चिकन और मुझे पता नहीं था ये बोन्स वाली है, मैंने सोचा बोनलेस है तो ये भी ट्राई करके ना मैं बताऊंगी कि कैसी है। यहाँ पे है ये स्पाइसी वाली है, हॉट है और ये मेरे ख्याल में माइल्ड है, तो
अब ना मैंने इनको पहले डिफ्रोस्ट तो कर लिया और फिर फ्राई कर लूँ, फिर अब अल्लाह करे अंदर तक पक जाए, क्योंकि ये वाली मैंने ना कभी भी यूज़ नहीं की, बोनलेस की हुई है, बोन्स वाली कभी भी नहीं की हुई कि अंदर तक ना पकती हो कि ना पकती हो सही तरह से। तो ये भी आज ट्राई हो जाएगी, तो चलो मैं इसका छोटा सा रिव्यू शेयर कर दूँगी और बस। और ये ना बिल्कुल अंदर से कच्चे थे, मैंने जब फ्राई किया, हालांकि मैंने हल्की आंच पर फ्राई किए थे और डिफ्रोस्ट भी कर लिए थे, तो मैंने इनको फिर दोबारा से काट काट के पहले यहाँ से कटिंग की, फिर फ्राई किए, फिर चेक किया, फिर कच्चे थे, फिर दूसरी तरफ से की, फिर और फिर फ्राई किया, तो फिर जाके कहीं पके हैं और पता नहीं अभी भी टेस्ट वाइज कैसे होंगे। तो ये वाली चिकन ना बोन्स वाली मेरे से सही नहीं बनती, पता नहीं क्यों। और अगर आपके पास कोई टिप है ना तो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में मुझसे कि इनको ना पकाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अब ये आए हुए हैं और ये पूरे पूरे पैकेट पड़े हुए हैं, तो इनको ना फिर ज़ाहिर बातें यूज़ तो करना ही है। तो अगर कोई अच्छी सी टिप होना जिससे पाक अगर पता चले कि पाक कैसे जाते हैं तो फिर ज़रूर शेयर करिएगा। अब देखते हैं क्या होता है इनका। आज ना मैं अरेंज कर रही थी अपने हिजाब्स, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा मैं अपने हिजाब कैसे अरेंज करके रखती हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाले हैंगर्स हैं मेरे पास, ये 5 लेयर्स वाले, तो इसमें ना मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके तो अलग अलग करके रखे हुए हैं, और जब चाहिए हो तो बस आराम से निकाल दिए और वापस इस तरह से रख दिए। और इसमें बैक साइड से ये इसका ये वाला व्यू है, तो इससे ये होता है कि एक तो सारे नज़र भी आ रहे होते हैं ये, तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे ना, क्यों नीचे करके दिखाती हूँ, इस तरह से करके करेंगे ना तो ये इस तरह से हो जाएगा शेल्फ टाइप, तो इजीली ना इसमें से निकाले भी जाएंगे और वापस रखे भी जाएंगे। तो बाकी इसको ऐसे करके हैंग कर दिया। तो एक में मैंने ना अपने सारे जो क्या लेना चाहिए कॉटन वगैरह और इस तरह लॉन वगैरह के हिजाब है ना वो रख लिए हैं ये, और एक में ना मैंने सारे ये जो उनसे यानी ये तो शिफॉन के हैं तीनों, और ये जो उनसे ना ये फॉर्मल यूज़ के लिए, तो ये तो बहुत ही कम यूज़ होते हैं किसी शादी वगैरह में जाना हो या कुछ इस तरह से, तो आजकल ये वाले मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने फिर इनको ना आयरन करके इस तरह करके रखा ताकि जब कहीं जाना हो ना तो मुझे दोबारा आयरन ना करने पड़े। और ये हिजाब कैप्स मैंने नहीं मंगवाई थी, इसके साथ की भी है, वो भी मैं नज़र इसके साथ ढूंढ के लगाऊँ। और ये रहा इसके साथ, ये कलर इतना मैच तो नहीं हो रहा लेकिन ये इसके साथ अच्छा लगता है। और इसके साथ ना मैंने जब ये मंगवाया था ना तो मैंने ये नकाब भी ऑर्डर किया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, तो खैर मैंने फिर भी ना इसको इसके साथ ही रख दिया, क्योंकि ना फिर ताकि चीज़ ढूंढने में ना आसानी हो। और ये इस तरह से रखे ताकि ना इनकी आयरन वगैरह भी ख़राब ना हो, जब चाहिए हो तो फिर मुझे ना हर दफ़ा इसको ना प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि इन शिफॉन वाले हिजाब की ना इस्त्री बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने शिफॉन और ये जो उनसे शादियों वगैरह पे फॉर्मल यूज़ के लिए वो इस तरह से रखे हुए हैं, और जो लॉन वगैरह के हैं ना वो भी इस तरह से रख लिए। ये तो मेरे बहुत ही कम यूज़ होना शुरू हुए हैं, क्योंकि अपना मैं ब्लैक कलर का ना वो नकाब ही करती हूँ तो वही ज़्यादा यूज़ होता है। तो लेकिन फिर भी ना कभी कभी मैंने कहा चलो यूज़ करने ही पड़ जाते हैं, तो आज मैंने फिर इन सबको ना आयरन वगैरह करके सेट करके रखा है, और यहाँ पर ना मैं अपनी इस तरह से रखती हूँ। और इसके साथ ही आज मैंने ना इनाया के भी हिजाब्स इस तरह से अरेंज कर लिए हैं, क्योंकि इनाया के जो हैंगर हैं ना वो बहुत ज़्यादा हुए हुए थे ख़राब, तो ये भी ना मैं यहीं पे हैंग करके दिखाती हूँ। और ये ना इस तरह से मैंने इनाया के लगा लिए हैं, और छोटे बड़े साइज़ हैं इनाया के तो काफ़ी ज़रा जिनसे ना वो छोटे साइज़ के ही हैं, और ये हैंगर ना इसके यहाँ से टूट गया था, क्योंकि ये इनाया के यूज़ में था, तो इनाया ने खींच के निकालना होता है, इस तरह पकड़ के खींचना होता, वो ऊपर से टूट गया था, तो मैंने अलग से ना एक हैंगर इस तरह से यहाँ पे ना इस तरह से अटैच किया था, लेकिन खैर वो भी उसी तरह ही टूट गया जिस तरह पहले टूटा था। तो अब मैं ना इस वाली जगह को हैंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये वाले हैंगर ना इतने कोई ज़्यादा जान वाले नहीं है, तो वैसे तो इसका ना ऐड में आता है पैंट्स के लिए, जीन्स वगैरह के लिए, लेकिन ये ना फिर ऐसे बैठना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर ना नया कि मैंने जो उनसे ना कॉटन वगैरह के उस टाइप के हिजाब्स यहाँ पर रख लिए हैं, और जो रेशमी है ना शिफॉन वगैरह के वो सारे ना मैंने अलग से एक हैंगर पे हैंग कर लिए इस तरह से। और थोड़ा सा ना मैंने कलर्स के हिसाब से ही किए हैं इस तरह से ये, तो कलर्स के हिसाब से ये होता है, चूज़ करना भी आसान रहेगा कि अगर ब्लैक ड्रेस पहना तो ब्लैक, मेरे पास ये सब अवेलेबल है, तो ये मुझे एंड में मिले थे तो मैंने यहाँ पे लगा ली।
और ये ग्रीन्स और ऑरेंज और येलो सारे टाइप के कलर्स, और ये सारे इस तरह से। पहले एक ही हैंगर मैंने नया को दिया था, लेकिन आज मैंने दो पे सेट किए हैं, क्योंकि ना आपसे मैं खुद ही ज़रा ना इनको अरेंज किया करूँगी। और घर पहनने वाले ना मैंने अलग से फ़ोल्ड करके रखे हैं, क्योंकि घर में थोड़े बड़े रखे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो बाहर जाते वक्त तो थोड़े से छोटे ही बच्चे कैरी कर सकते हैं, इनसे कैरी नहीं करने होते, इससे बड़े हिजाब या स्कार्फ्स। तो यहाँ से ये इस तरह, ये भी नया की अलमारी में लगाऊंगी। और ये मैंने ना इसके घर पहनने के लिए अलग कर लिए, तो ये फोल्ड करके रखे हैं, क्योंकि ना नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है ना, तो फिर थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहिए होता है, तो इस तरह से। और ये बस ना निकाल दिए, ये है तो प्यारे और सूट भी बड़े करते हैं, लेकिन ना मेरे हिसाब से छोटे हैं और नया के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं। और इसके साथ ही ना मैं आपको दिखा दूँ मैंने अपनी पिन्स वगैरह कैसे अरेंज करके रखी हुई होती हैं। तो ये मेरे पास ना छोटा सा कंटेनर है, और ना इसमें मैंने ना सारी पिन्स वगैरह जो ज़रूरत पड़ती है ना वो रखी हुई हैं। तो ये भी मैंने फ़िलहाल नहीं मंगवाई थी, ये भी नहीं मंगवाई थी, तो ये भी रख ली है, वरना यही वाली यूज़ हो रही होती थी पहले भी। तो यहाँ पे ना मेरे पास फ़ोम था, जो ज्वेलरी बॉक्स वगैरह के अंदर और इस तरह किसी भी चीज़ के अंदर होता है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के थोड़ा सा। ये मैंने इस तरह से इसके अंदर रख लिया कटिंग करके इसके बराबर की, और ना इसके अंदर मैंने ना ये स्ट्रेट वाली पिन रख दी हैं। इन पे मैंने थोड़ी सी नेल पेंट से ना सिल्वर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस वक्त हुआ नहीं था। अब मैं ना किसी दिन टाइम निकाल के ना बैठ के इनको अच्छी तरह से करूँगी, क्योंकि कलरफुल ना फिर अच्छी नहीं लगती, तो मैं कहती हूँ एक ही कलर की हो जाए सारी। और यहाँ पर ना मैंने ना ये स्ट्रिप सी लगाई है, इसके नीचे मैगनेट है और ये इसके साथ ना स्टिक हो गए हैं। तो ये भी आपको दिखा, ये इसके साथ मैगनेट थे। ये मेरे पास कोई पुराना वॉलेट था तो उसके साथ थी, तो वो मैं फेंक रही थी, तो मैंने ना ये चीज़ उतार ली। तो जिप वगैरह या किस तरह की चीज़ होती है ना, वो मैं उतार लेती हूँ। और ये भी ना मेरे पास एक मैग्नेट सही पड़ा हुआ था, बच्चों का कोई था, तो इसको मैंने इधर करके ना, तो इसके ऊपर ना पिन लगा दी। ऐसे ही होता है कि सारी चीज़ें इधर मिक्स नहीं होंगी, और ना अगर कोई चीज़ नीचे आपने निकाल के यूज़ किया तो आप ऐसे करोगे ना, तो ये सारी ना मैगनेट के साथ खुद ब खुद ही अटैच हो जाएंगी। जिस तरह ये आपने यूज़ किए ये पड़ी नहीं है, तो ये आपने इस तरह की तो सारी मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगी, और ना काम फटाफट ख़त्म हो जाएगा। और ये इसको मेरा दिल था पेंट करूँ, लेकिन फिर अभी टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा चलो फिलहाल यूज़ तो हो रही है, कहीं जाना हो तो ये छोटा सा बॉक्स है, इसको पर्स में डाला और बस आपका काम हो गया। और बस जनाब यहाँ पर ना आज हमने क्या किया कि पिज़्ज़ा जाकर खाने के बजाय ना घर पे मंगवा लिया। एक तो वो ठंडा बर्फ़ हो चुका था, दूसरा हमने उनसे कहा था अच्छी तरह से कुक करना, तो उन्होंने इतने अच्छा किया कि वो ओवर कुक हो गया, कि ऊपर से ना काफ़ी सारी चीज़ें ना जो जलना जली भी हुई भी थी। तो खैर ये वाला एक्सपीरियंस भी हमारा अच्छा नहीं लिया, वरना लास्ट वाला एक्सपीरियंस ना हमारा 14th Street के साथ बड़ा अच्छा रहा था। और साथ ही साथ ना ऑर्डर भी हमारा बेइंतहा लेट हो गया था, तो ये इन्होंने साथ फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री चिकन दी थी कि आपका ऑर्डर काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन खैर इस दफ़ा कोई मज़ा नहीं आया। और इसके साथ ही बस आज का व्लॉग भी एंड करूँगी, तो जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।